रक्सौल स्टेशन पार्क का कुछ इस तरह सा व्यू है। एक साल बाद ब्लॉक आ रहा है, इसके लिए सॉरी। आप सबों ने इतना प्यार सपोर्ट किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। भाई को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। फाइनली हम लोग घर से निकल गए हैं और जा रहे हैं मोतिहारी एग्जाम देने। साथ में है अभिषेक भाई और ये स्टेशन रोड है। और आपको दिखा दें कि अगर नेपाल आप जाते हैं तो यही वाला पीछे वाला जो आपको रूट दिखाई दे रहा है, यही रूट से जा सकते हैं आप रक्सौल स्टेशन पर उतर के। तो आइए, बगल में पोखरा आपको दिखेगा, ये जो है सारा इस तरह का कुछ व्यू है। और साथ ही में है इसे जैसे पीछे है इस तरह का रोड है और इस तरह का कुछ व्यू है। ये जो मंदिर है स्टेशन रक्सौल स्टेशन के पास, यही है कुछ इस तरह से व्यू है। अगर आप पार्किंग करना चाहते हैं, इधर बगल में आपको दिया हुआ है पार्किंग। यहाँ बाइक को एक नेपाल जाते हैं तो यहाँ भी पार्क कर सकते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए रक्सौल स्टेशन पे, पीछे देख सकते हैं। और आप यहां पर भी रक्सौल का आई लव यू रक्सौल जैसे कि यहां बनाया हुआ है पीछे। हाँ जी, तो यहां पार्किंग भी है, आप अपना टाइम जैसे यहां पे आके अपना घूम उम भी सकते हैं। दुकान भी है। आइए कुछ पीछे से आपको व्यू दिखाते हैं, कुछ इस तरह का रक्सौल स्टेशन का लुक है पीछे आप देख सकते हैं। रक्सौल स्टेशन के ठीक सामने की पार्किंग का कुछ इस तरह का व्यू है। यहाँ रक्सौल स्टेशन के सामने भोजनालय भी है, यहाँ आप स्वच्छ फास्ट फूड भी भोजन साफ सुथरा कर सकते हैं। सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है यहाँ पे। रक्सौल स्टेशन पार्क का व्यू है इस तरह से, सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। यहाँ भोजनालय भी है, यहाँ पे आके आप स्वच्छ सुंदर भोजन कर सकते हैं शाकाहारी। छोटा पार्क है पर काफी सुंदर ढंग से बनाया गया है, कुछ इस तरह का व्यू है आपको हम दिखा रहे हैं। Thank you.
अरे भाई आराम से आराम से, अभी रुकेगी ट्रेन, दौड़ो नहीं, आराम आराम से। टिकट ले लो बड़ा ट्रॉली में कहाँ मिले तक ऐ तो फाइन काटा तो लो भाल हाँ नाने बहुत पुराना। देखिए कितना भीड़ है ट्रेन में, कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे। एमएस कॉलेज के फील्ड में पहुंच चुके हैं। देखिए रोहित पकड़ो, देखिए देखिए कितना लालची दोस्त। एमएस कॉलेज का फील्ड, लाइन किया था।